नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से बड़ी खबर जो अभी निकल के आ रही है वो पूरे भारत के लोगों के लिए एक खुशी की खबर भी है। देखिए, भारत का जो है आपदेश जो है वो बदलने वाला। देखिए, रतन टाटा और मुकेश अंबानी ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, हाथ क्यों मिलाया है और हाथ मिलाने के वनस्पत इन्होंने एक कंपनी जो है वो बनाई है। उस कंपनी का नाम है ब्लू स्मार्ट। जी हाँ, ब्लू स्मार्ट ओला उबर जैसी कंपनियों की तरह ही आपको सर्विस देगी। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर तब तो ओला उबर है ही, तो ब्लू स्मार्ट लाकर की कौन सा बड़ा काम जो है ये दोनों कर रहे हैं। तो ब्लू स्मार्ट को लेकर के बता दें कि ब्लू स्मार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोबिलिटी है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी काफी कम दर में। जी हाँ, दिल्ली से गुड़गांव जाने में जो कैब में आपको 365 रुपए के आसपास लगते थे, वो भाड़ा अब आपको मात्र और मात्र 79 रुपए में मिल जाएगा। अब भारत की तस्वीर इससे बदलेगी, ये हम क्यों कह रहे थे, इसके पीछे भी कारण। जहां इस कारों को बनाने का जिम्मा रतन टाटा ने लिया है, वहीं यहां पर इसके जो फ्यूल्स होंगे, जो फ्यूल इसमें लगेगा यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूल, और जो इसमें पार्ट्स वगैरह जो सप्लाई किए जाएंगे उसका जिम्मा जो है यहां पर मुकेश अंबानी ने ले लिया। वहीं मुकेश अंबानी ने एक ब्रिटेन की कंपनी से हाथ मिलाया है और एक कंपनी की शुरुआत की है जिसका नाम है जियो बीपी। जियो रिलायंस का जियो तो आप सब जानते हैं, और बीपी यानी कि ब्रिटेन पेट्रोलियम। जी हाँ, तो ब्रिटेन जियो बीपी जो है वो अब भारत में हर 15 किलोमीटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाने वाला है। तो सोचिए कि भारत की तस्वीर यहाँ पर किस तरीके से बदलेगी और व्यापार की दुनिया में एक नया मोड़ जब आएगा, जब ट्रांसपोर्टेशन इस कदर सस्ती और आसान रतन टाटा और मुकेश अंबानी जो है कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अब दोनों के हाथ मिलाने से भारत की एक तस्वीर जो है यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आएगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।